नमस्कार, मैं मुकेश चौहान, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट छूट बट्टा, जिसका हम पार्ट टू करने वाले हैं। इस पार्ट टू में हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य मतलब MRP कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि MRP निकालिए या अंकित मूल्य ज्ञात करिए तो कैसे करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम मार्केट में जाते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, तो अगर हमें इसका अंकित मूल्य निकालने के लिए बोले, MRP निकालने के लिए बोले और हमें ये बता दिया जाए कि इस पर 10% का डिस्काउंट है और इसका जो विक्रय मूल्य है SP है वो कितना है, 450 है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो याद करिए मैंने आपको क्या बोला था, MRP सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डिस्काउंट को कम करके लिखा जाता है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस पर हमें ये दिया हुआ है तो इसे XYZ जो आपको मानना है मान लीजिए, तो मैं इसे समझता हूँ कि ये X है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम छूट लिखते थे, डिस्काउंट है 10%, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, भिन्न में, फ्रैक्शन में 1/10। छूट का मतलब होता है कम देना, मतलब मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है 9/10। यही काम कर रहे थे पिछले पार्ट वन में, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट वन देखिएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 9/10, और यहाँ हमें विक्रय मूल्य मिलता था। ठीक है, तो इस बार हमें विक्रय मूल्य पहले से दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 450। तो हम ऊपर से ऊपर वाले को काट सकते हैं, 9 × 9 और 9 × 5 = 45 और ये 0, ये 10 वहाँ जब जाएगा तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 500 × 10, मतलब ये कितना होगा, तो ये होगा 500, मतलब इसका MRP कितना है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका MRP है 500। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है सेम, उसी को हम दूसरे तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ये बात क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं मार्केट जाता हूँ एक मोबाइल खरीदने के लिए, मुझे ये बता दिया जाता है कि इसका MRP आपको बताना है कि क्या होगा, पर इस पे 20% का हम आपको छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और इसका विक्रय मूल्य जो कितना है, 800 है। तो मुझे अंकित मूल्य निकालने के लिए इसे मैं x मान लेता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, छूट कितना है, 20% ये है, इसको मैं भिन्न में कैसे लिखूँगा, तो आप बोलोगे सर इसे हम 1/5 लिख सकते हैं, छूट है मतलब मुझे इसे कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, यहाँ पे आएगा 4/5, और यहाँ होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 800 रुपये, तो मैं लिखूँगा यहाँ 800, 4 × 4, 4 × 2 = 8 और ये 2 = 0, मतलब ये 5 जाके वहाँ पे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये 5 वहाँ जाके गुना हो जाएगा तो 5 × 2 = 10 और ये 0, मतलब इसका अंकित मूल्य कितना था, तो आप बोल सकते हैं इसका अंकित मूल्य था 1000। पार्ट वन से आपको क्लियर हो रहा होगा, दोनों कनेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमें कैसे मिलता है, ये बात क्लियर होगा आपको। चलिए पार्ट वन में मैंने बिल्कुल क्लियर किया है इसको, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2 होना चाहिए, ठीक है, ओके। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर हमें अंकित मूल्य नहीं बताया है, MRP नहीं बताया है, हमें बताया है कि 20% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा, छूट, डिस्काउंट सारी एक ही चीज़ें हैं, देने के बाद वस्तु को 4000 रुपये में बेच दिया जाता है, मतलब हमें SP भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो मैंने आपको बताया है सॉल्व करने का तरीका, आपने पार्ट वन में देखा है, हम पहले MRP लिखते हैं, उसके बाद छूट लिखते हैं, और यहाँ पे इक्वल के राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। सेम पैटर्न में रखें, इस बार हमें अंकित मूल्य नहीं पता है तो मैं इसे x मान लेता हूँ, या आप चाहें, कई लोगों को x से नफरत है तो आप इसको MRP भी लिख सकते हैं या अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू यहाँ पे मुझे छूट लिखना है, छूट कितना है, 20%, ये आप जानते ही हैं कि 20% को भिन्न में 1/5 कहा जाता है, कम करना है तो ये कम करके कितना हो जाएगा,
4/5, 5 में से एक गया 4, नीचे वाला नहीं बदलता है, सेम टू सेम, मतलब 4/5 मुझे यहाँ पे लिखना है और बराबर में यहाँ SP लिखना है। तो SP की वैल्यू मुझे कितना दिया गया है, तो SP की वैल्यू दिया हुआ है 4000, मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट 4000। जो चीज़ें कट रही हैं काट सकते हैं, 4 एकम 4, यहाँ हो गया ये 1000। कटने के बाद ये जाके यहाँ पे जब गुना हो जाएगा तो मेरा MRP निकलेगा कितना, यहाँ से मैं गुना करता हूँ तो MRP होता है ये 5000। ये बात समझ गए होंगे कैसे हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो आप इसको बनाइए, आंसर जल्दी आना चाहिए, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से आ गया होगा आंसर, देखते हैं आपने सही बनाया या गलत, सॉल्व करते हैं। किसी मैच का अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में मतलब अंकित मूल्य दिया नहीं है एमआरपी में, 33.1% की छूट देने से उस वस्तु को 10,000 रुपये में बेच दिया जाता है, ये मेरा डिस्काउंट है, ये मेरा एसपी है, ठीक है। तो उस वस्तु का एमआरपी ज्ञात करिए, एमआरपी को एक्स मान लीजिए, ठीक है। 33.1/3 कितना होता है, ये सब मैंने पढ़ा चुका है आपको, तो आप बोलोगे सर ये तो 1/3 होता है, बिल्कुल सही, ये है 1/3। छूट का मतलब होता है उतना पैसा कम देना है उसे, तो 3 में से 1 घटाएंगे बचा 2, और नीचे वाला नहीं बदलता, मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है 2/3, और 10,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य था तो मैंने लिखा 10,000। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 3 0, 3 यहाँ जाके गुना होगा तो 5 3 तो बोलोगे कितना, 15 और ये 3 0, तो इसका आंसर कितना होगा, 15,000, ऑप्शन ए मेरे ख्याल से आपका भी आया होगा, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोट करते रहिएगा, नोट्स पक्का बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बन गया होगा शायद, देखते हैं आप सही बनाए कि नहीं। एक कूलर के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है, यदि वे छूट क्रमशः 14.2/7 तथा 16.2/3% हो तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करिए, मतलब हमें एमआरपी निकालना है। ओके, एमआरपी लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए, एक ही बात है। यहाँ मुझे क्या लिखना है, डिस्काउंट लिखना है, डिस्काउंट 2 बार दिया हुआ है, ये पहला और ये दूसरा। पहला डिस्काउंट कितना था इसमें, ये था 14.2/7% का डिस्काउंट था, और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 16.2/3% का डिस्काउंट। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। 14.2/7 होता है 1/7, नोट करना अगर आपको नहीं पता है, हालांकि पार्ट 1 में मैंने नोट कराया है। तो छूट है मतलब मुझे कम करना होगा, तो यहाँ आना चाहिए 6/7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6/7। दूसरा डिस्काउंट देखते हैं, 16.2/3 है, इसका मतलब होता है 1/6, जब मैं इसे कम करता हूँ तो यह आएगा 5/6, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी है 5/6। और विक्रय मूल्य मुझे दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 3000। तो जो चीज़ें कटती हैं आप काट दीजिए, चलिए 6 से काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30 और यहाँ पे आता है 2 0, ठीक है। 5 से कट जाता है, यहाँ जाता है 100, 6 जो है ऊपर जाके गुना होगा और 7 भी नीचे है, ठीक है, तो 6 और 7 दोनों जाके वहाँ गुना होंगे, तो 6 7 यहाँ होता है 42, इसको मैं ले आके यहाँ गुना करता हूँ तो MRP मेरा कितना होता है, MRP होता है ये 42 और यहाँ पे 2 0 है, मतलब 42 तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 42 तो ये है, आप चाहते तो ऐसे 6 से 6 भी काट सकते थे, बात एक ही है, चाहे कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। सही आया था आपका आंसर, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ओके, अगला क्वेश्चन। बताइए कितना आ रहा है? ओके, किसी साड़ी के अंकित मूल्य एमआरपी पहला ये है, दूसरा ये है, उसे 35,000 रुपये में बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, एमआरपी निकालना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम पहले की तरह एमआरपी हमें निकालना है, चाहे यहाँ एक्स लिखे, वाई लिखे, अपना नाम लिखे, एमआरपी लिखे, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद उसमें छूट दिया जा रहा है, कौन कौन सा छूट है यहाँ लिख लेते हैं। पहला जो छूट है वो है 16 सही 2/3%, दूसरा जो छूट दिया हुआ है वो है 12.5%। ओके, और कोई छूट तो नहीं है, देख लेते हैं, एक छूट दो छूट, बस दो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1/6। हाँ, ये याद होना चाहिए, छूट का मतलब है कम करना, तो कितना आएगा 5/6, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना है, 5/6। अगला है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। मैंने नोट कराया पिछले को में, नहीं किए हैं तो अभी नोट करिए, ठीक है, ये बहुत काम के डेटा है। क्या होगा यहाँ पे? आप बोलोगे सर छूट है मतलब कम करना है 7/8, तो यहाँ मुझे लिखना है 7/8। और विक्रय मूल्य यहाँ आता है, आपको पता है एसपी कितना दिया हुआ है, 35,000, ये हो गया 35,000, ठीक है। चलिए, जो चीज़ कट रहा है काट देते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 × 7 = 35 और ये 3 0, 7 यहाँ अवेलेबल है, 7 से काटते हैं, 7 × 7 और यहाँ पे 3 0, नीचे बच गया है 6 और 8, इनका गुना होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, मतलब ये हो रहा है 48, 48 जाके यहाँ पे जब गुना होगा तो एमआरपी मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 48 और यहाँ के 3 0, 1 2 और 3, मतलब 48,000 हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन ए है। सरल, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आप उसे छोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है छोड़ने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, फास्ट इसका आंसर चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ से थोड़ा ऐसे कुछ कुछ लाइनिंग से चलता है, उस पर हम काम कर रहे हैं, जल्दी ही उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, थैंक्स बताने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 3, अंकित मूल्य बताया नहीं है, उस पर 3 बोल रहा है, लगातार बट्टा दिया जाता है, मतलब छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। देने के बाद उसे 60 रुपये में बेच दिया जाता है, एसपी कितना है यहाँ पे 60,000, पहला जो है 25%, दूसरा छूट जो है 33 सही 1/3%, तीसरा 16 सही 2/3% है, हमें बताना है कि अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं छूट 3 कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला जो छूट है वो कितना है 25%, ओके। दूसरा छूट है 33 सही 1/3%, ओके। चौथा जो है 16 सही 2/3%, ये जो आंकड़े हैं आमतौर पे यही सब आते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए नोट करा दिया है पिछले में, अभी भी नोट करिए जो जो आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। 25% को हम बोलते हैं 1/4 भिन्न में, छूट है क्या होगा 3/4, क्या किया हमने, हमने ये किया 4 में से 1 घटाया आया 3, 4 में से 1 घटा आया कितना 3, नीचे वाला नहीं बदलता, ठीक है, सेम टू सेम रहता है। इससे क्या कहेंगे 33 सही 1/3 को, हाँ 1/3, क्या होगा छूट है तो 2/3, ओके। 16 सही 2/3 बताइए 1/6, ओके, छूट है तो आप बोलोगे 5/6। सबको लिख लेते हैं, हमें अंकित मूल्य पता नहीं है, मतलब एमआरपी हमें बताना है, पहला 3/4 यहाँ आएगा, दूसरा 2/3 आएगा यहाँ पे, तीसरा क्या था 5/6 आएगा, ओके।
अब हमें लिखना है यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 60,000। ये रहा 60,000। जो चीज़ें कटती हैं काट देते हैं। देखिए 3 से 3 कट जा रहा है, 2 एकम और ये 2 दूनी, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, इधर वाले को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 3 0, ठीक है। ये जो है यहाँ पे बचा हुआ है 6 और यहाँ पे बचा हुआ है कितना? 2, मतलब 6 दूनी 12। ये 12 जाके इससे गुना होगा तो यहाँ पे आएगा MRP बराबर, यहाँ पे है 12,000 पहले से और ये 12 इसमें गुना हो जाएगा। तो आपको पता है 12 × 12 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 12 × 12 होता है 144 और ये 3 0 आगे लगा दो। तो आंसर कितना आया? आंसर आया 1,44,000, ऑप्शन बी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी मैथ पढ़ते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेन कॉपी लेके पढ़िए, आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। ऐसे बस देखते रहने से बात नहीं बनेगी जैसे बननी चाहिए, है ना। खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या आता है वो देखिए, उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व तो कर ही रहा हूँ ना, है ना। उससे आप बहुत जल्दी सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये है जो क्वेश्चन ये दिया मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे क्या राइट आंसर आएगा, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।